गाइस, वेलकम बैक टू अ व्लॉग। और आज हमारा लास्ट डे है भोपाल में, बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई कि कुछ वीडियोस के ऑडियो करप्ट हो गए हैं, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा बहुत सारी जगह पर। बट कोई नहीं, तो आप लोग देख लीजिए हमारे लास्ट डे की मस्ती और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये देखिए श्री एकदम आधी नींद के मूड में है और उसे कैमरा टेंशन भी चाहिए, तो इसीलिए ऐसे कर रहा था। बट सोया नहीं बिल्कुल भी रास्ते में। हम बस पहुंचने वाले हैं हमारे सैलून में। तो ये हम आ चुके हैं न्यू मार्केट भोपाल में। यहाँ पर है हमारा सैलून जो कि मेरी जेठानी ने रिकमेंड किया है, वो हमेशा यहीं से करवाती हैं, उन्होंने बताया कि ये बेस्ट है। तो हम लोग आज, तो हम सब लेडीज़ आज अपने आप को पैम्पर करने वाली हैं। देखते हैं, सोच रहे हैं थोड़ा हेयर कट वगैरह ले लें, मैं भी अपने आप को थोड़ा न्यू लुक दे दूँ। तो ये है हमारा निक्की बाबा ब्यूटी सैलून, फोर्थ फ्लोर पर है। बट हमें पता चला कि लिफ्ट नहीं है, फिर हमें सीरियस जाना पड़ेगा। और अंदर जाते ही श्री की मस्ती स्टार्ट हो गई है, अपनी वॉकिंग प्रैक्टिस कर रहा है। और हमें पता चला लिफ्ट है, उन्होंने शायद मजाक किया था या उन्हें पता नहीं था। हम सब लिफ्ट का वेट कर रहे हैं और चलते हैं जल्दी से। तो ये हम आ चुके हैं अपने सैलून में। बट कहीं पर भी जाने के पहले आप लोग भी ध्यान रखें कि सैनिटाइज़र और मास्क अभी भी ज़रूरी है। तो सैनिटाइज़ कर लेते हैं और अंदर से दिखाते हैं आपको लोग। ये तो बाहर का लुक था सैलून का, ये देखिए अंदर से कुछ इस तरह का है। और मम्मी दीदी सब वेट कर रहे हैं और हम लोग थोड़ा सा अलग बैठे हुए हैं। और ये रहे हम लोग भी, और ये स्टार्ट हो गया हमारा पैम्परिंग। यहाँ पर हेयर वॉश वगैरह हो रहा है दीदी का। सबसे पहले दीदी का हेयर कट होगा। और ये श्री पिताजी साथ है, बट उनको काफ़ी कॉल्स आ रहे थे तो फिर हमें लेना पड़ा। और ये आस्था का भी स्टार्ट हो गया, ये पहले के इसके बाल हैं और ये दीदी के पहले के बाल हैं। A few moments later, दीदी और आस्था दोनों का हो गया। मैंने कटवाई थी रिसेंटली, बट थोड़ा सर्विसिंग करवाना था, बट अभी कोई सीखना टाइम नहीं है। बाल ठीक है, क्या कर सकते हैं बालों का। मेरे जस्ट हेयर वॉश हुआ है और अब होगा कटिंग। क्या करने वाले हो भैया बालों का? हेयर कट। हेयर कट बस बनाना है। हाँ। होगा। तो भैया बोल रहे हैं हेयर कट करवा लीजिए, अच्छा लगेगा। देखते हैं भैया कौन सा स्टाइल करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कैसे हो गए मेरे बाल। ठीक है, पसंद आए? आस्था का हो गया है और दीदी दीदी का तो खत्म ही नहीं हो रहा, अभी तक चल ही रहा है। अब दीदी One eternity later. अरे हीरोइन बन गए एकदम, ये देखिए वाह वाह वाह, अरे बहुत बढ़िया। मम्मी से पूछ लीजिए, मम्मी से पूछ लीजिए, दिखाइए मम्मी और भाई को। ज्यादा बताएगी? अरे नहीं, मम्मी और भाई को दिखाइए, ये देखिए वाह वाह। मैं तो इस चीज पर कट कर लूँ, मैं क्यों आपको। फाइनली ढेर सारे बाल कटने के बाद अब बाल सूख रहे हैं, तो फाइनल लुक दिखाएंगे भैया जल्दी। रिवील होगा मेरा फाइनल लुक, देखते हैं कितना छोड़े भैया ने, कितना काट दिए भैया। बताइए भैया क्या करना है, मतलब जिसका, मतलब जिसको हेयर में वॉल्यूम चाहिए उसे क्या करना चाहिए? हाँ लगाए, मतलब घोल के उसको। हाँ क्या करना है? तो इससे ये आप, मैं ट्राई करने वाली हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिए, इससे वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये फाइनली हेयर कट हो चुका है मेरा, इस तरह का कुछ हो गया है। थोड़ा सा वॉल्यूम तो लग रहा है बालों में, वरना बाल बहुत बेकार हो गए थे। चलते हैं, श्री बहुत परेशान कर रहा है सबको, बहुत रो रहा है। क्यों रो रहे थे? भूख लगी है, भूख लगी मम्मा। क्यों रो रहे थे? भूख लगी मम्मा, पकड़ो मम्मा जल्दी से। चलो हाँ चलो, रुको पराव पकड़ी नहीं उठा के देखते हैं। Thank you.
कटवा लिए तुमने भी? बुआ कहाँ है? तो अभी हम सब का हेयर कट हो गया तीनों जन का। मम्मी ने तो नहीं करवाया, हमने कितना बोला मम्मी को, बस मम्मी ने कहा कि नहीं करवाएंगे। और अभी हम वेट कर रहे हैं लिप्ट का और जा रहे हैं। अब कहाँ जा चल रहे हैं? अभी चल रहे हैं पुलिस कैंटीन शॉपिंग करने। कैंटीन में जा करके शॉपिंग करेंगे। हाँ, वहाँ पे सस्ते में चीजें मिलती हैं, ये पैसे बचाने के काम मिलती है। देखिए देखिए देखिए, पैसे बचाने के काम या भाई का खर्चा करवाने के, अच्छी चीज मिलती है कैंटीन में। हाँ, इसीलिए मेन ये है कि अच्छी चीज मिल जाती है, बिल्कुल थर्ड क्लास वाली। अच्छा, आई नहीं आई, लिफ्ट ही नहीं आ रही है, लगता सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। फिर सीढ़ियों से नहीं जाना पड़ेगा, जाएंगे तो लिफ्ट से। दीदी को मेरे हेयर पसंद आए, मुझे इस बार भी चलो। आ गई लिफ्ट, आ गई। किसी को तो पसंद आए, लिफ्ट आ गई ना। दीदी आज इतना घूमे, मतलब इतना कुछ घूमे, बट जब से निकले हैं तो कल के जितना मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि कल निशा दीदी कंटिन्यू जोक पे जोक कुछ ना कुछ कहानियां बताई जा रही थी, तो आज इसलिए इतना मजा नहीं आ रहा है। कितना भी अच्छा आप करवा लो, जब कार में हंसी ना आए तब तो मजा नहीं है। हाँ, यहीं की बात है, हम लोग उस टाइम पे फिजिकल की तैयारी करते थे पुलिस के लिए। हाँ, तो हम लोग इधर से आ रहे थे हल्की हल्की रनिंग करते हुए, मॉर्निंग की बात नहीं, नहीं इवनिंग की बात थी। हाँ, तो लगभग शाम को ये रोड बंद हो जाती थी, कम ट्रैफिक रहता है इसमें, तो हम लोग ये वाली रोड प्रेफर करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक बंदा बाइक से जा रहा था और पीछे से कार आई, उस कार ने उसको पीछे से ठोक दिया, वो बंदा उदगा ऊपर और नीचे गिरा और स्पॉट पर डेथ हो गई। तो बहुत सावधानी, अच्छा अगर वो हेलमेट पहना होता तो उसकी जान तो बच जाती थी। मोस्टली एक्सीडेंट्स में यही होता है, अगर हेलमेट नहीं पहना था वो बंदा तो आप बच जाते हो। हाँ, तो वो हेलमेट नहीं पहना था, इसके लिए ये स्थिति हुई। अगर हेलमेट पहना होता तो जान तो कम से कम बच जाती थी। सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, हेलमेट और सीट बेल्ट के बिना नहीं चलाना चाहिए।